बोलता है गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम और गुरु जी पांच छह कारण उसको विश्वास ऊपर में बताया करते थे।
आज सुन लेना, फिर कल मेरे को बोलना, ठीक है? मैं देखूंगा कल मेरे को कौन बोल रहा है। कृष्ण उद्धव जी को सुन रहे थे, ठीक है? उसका एक पहला गाना था, अभी कृष्ण को ये कृष्ण दूध किसने भेजा है? ये कृष्ण ने भेजा है, लेकिन गोपियों ने कोई दूध नहीं भेजा। अभी दूध कौन भेजता है? जिसको गरज पड़े, जिसको गरज, जिसको जरूरत हो, लेकिन गोपियों को जरूरत नहीं। लेकिन जरूरत किसको है? कृष्ण को जरूरत है। बोले क्यों जरूरत है कृष्ण को? कारण क्या? बोले कारण बता है, जैसे आप अगर बहुत दुखी हो, किस कारण से बहुत दुखी है, लेकिन अगर आपकी भाव को समझने वाले व्यक्ति हो, फिर आप क्या करोगे? इसलिए हम रो रहते हैं ना, ज्यादा दुख हो तो रो लेते हैं। रो लेते तो क्या होता है? जो तुम्हारी दुख है ना, वो निकल जाता है, दुख हल्का हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाए और रोए नहीं, किसको बोल भी नहीं पाए, देखना वो दुख को बाहर में सोचते 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 पागल हो जाता है, नहीं तो लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है। अगर तुम्हारे दुख कोई नहीं समझेगा, कोई किसको बोल ले, कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, फिर अब दुख बोलोगे अंदर से घुटन सा होती जाएगा। इसलिए लास्ट में एक व्यक्ति सुसाइड कब करता है? तब भी जा करके एक व्यक्ति सुसाइड करता है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण इसलिए दूध भेजे, कृष्ण देखा गोपियां भी मेरे विरह में दुखी, अब मैं भी गोपियों को विरह में दुखी। लेकिन वहां पर बहुत सारी गोपियां है एक भाव वाला, जिनकी मन की भावना एक दूसरे को मन को समझ सकते हैं। अगर समझने वाले कोई हो, अगर आप उसको दुख बोलो, फिर तो तुम्हारी मन हल्का हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने देखा वहां तो बहुत सारी गोपियां हैं, इसलिए दुख की बात को बोल करके ना अपना हृदय को शांत कर लेते हैं, अपना दुख को लाघव हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कृष्ण यहाँ अकेले है, इनका घुटन सा होता है, कृष्ण के अंदर भी घुटन सा है। अभी घुटन सा कृष्ण के अंदर है, क्योंकि अगर गोपियां गोपियों के प्रेम इतने दुर्लभ है और इतने हाई फाई है, कृष्ण देखा अगर यहाँ पर किसको बताओ कोई सुनने वाला है, बोले ये क्या पागल किसी बात करता है, जो ग्वालिनी कंडा बनने वाली, दधि मंथन करने वाली है, ये क्या जंगल में कोई मास्त्री और ब्रह्मचारी व्यभिचारी दुष्टा क्या, तो जंगल में रहती है, जो कपड़े को धोते नहीं, एक कपड़ा लहंगा पहनेगी जब तक फट नहीं जाएगा तो वो छोड़ेगी नहीं है। इसलिए यही से ये है, और ये क्या कृष्ण, ये सब सब गांव ली है ना, गांव में रहने वाले, क्या इनकी बात, सब लोग मेरे को पागल कर लेंगे। इसलिए कृष्ण ये हृदय की बात को कृष्ण किसी को भी बोल नहीं पाते, अंदर अंदर घुटन सा हुआ। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी हम किसको भेजे वहां पर, कल आज बता रहे थे ना, वहां पर राधा रानी की यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, प्रेम की यूनिवर्सिटी वहां खुली हुई है। कहते यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल कौन है? बोले श्री किशोर जी, राधा रानी वहां प्रिंसिपल है। बोले उसमें प्रोफेसर कौन है? बोले ललिता विशाखा चंपकलता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी, ये सब के सब वहां प्रोफेसर है। इसलिए श्री उद्धव जी ये कौन थे? वृषनाम परम परम मित्र, वृषनाम प्रबल मंत्री, कृष्ण से दैत्य सखा है। इसलिए कहते ये कृष्ण को बराबर से देने वाला, कृष्ण को अगर कोई कुछ काम करना है ना, वो किसको पूछते हैं? उद्धव जी को प्रश्न करते हैं, मतलब इतने बुद्धिमान परामर्श वो उद्धव जी से लेते हैं परामर्श। इसलिए उद्धव बुद्धि सत्ता, कहते बुद्धियों में बड़ी बुद्धिमान तीव्र बुद्धि है। बोले चले किसकी? बोले बृहस्पति की। बोले क्यों? बोले इतने बड़े बुद्धिमान थे, वो अगर टीचर को कोई प्रश्न करेगा, गुरु जी ये क्या बात, उनको गुरु जी को दिमाग में घुसता नहीं था क्या प्रश्न कर रहा है। अगर कोई हाई फाई प्रश्न करे, अगर तो समझ नहीं पाए करे, पर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाए है, इसलिए दुनिया में उसकी प्रश्न ही समझने वाले कोई नहीं थे, इनके प्रश्न कोई समझने वाले नहीं थे। इसलिए उनको कहा भेजे, उनको स्वर्ग में भेजे, मतलब जाओ वहीं पर तुम पढ़ करके आओ। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में जा करके वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर दिया, इतने बुद्धिमान थे उद्धव जी। इसलिए अभी कृष्ण ये सोच रहे हैं
इन्होंने स्वर्ग में तो गए, सारे पढ़ाई पढ़ने, सारे प्रेम की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन एक पाठ बाकी रह गया। सब पाठ तो पढ़ चुके थे, लेकिन एक पाठ उनको पढ़ना बाकी था, प्रेम की पाठ। और प्रेम की पाठ वहां पर था नहीं, उसके पास में वो विद्या से पढ़ाता नहीं, इसलिए उन्होंने ये प्रेम की पाठ पढ़ाने के लिए कहते ना, प्रेम की बात है होता, उसके बाद में बंदगी तेरे बस की नहीं है, इसलिए प्रेम की बात ही होता। इसलिए अभी एक अध्याय को पढ़ना बाकी रह गया था, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया अभी वहां पर तो प्रिंसिपल राधा रानी और वहां पर सबके सब सखियां, वहां पर सबके सब कौन है, कहते सबके सब सखियां वहां पर प्रोफेसर है। अभी अब देखना जैसे हाई फाई कॉलेज होता है ना, वहां पर एडमिशन के लिए भी हाई फाई स्टूडेंट, जैसे तैसे मार्क रखने वाले बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं हो पा सकते। 90% 80% से ज्यादा होनी चाहिए, 80% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसमें जैसे डॉक्टर डॉक्टर करना है तभी तो उसमें जाकर नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर मिलेगा ना। इसलिए कृष्णा सोच रहे भाई वहाँ पर जो पढ़ाई है ना बड़ी हाई फाई पढ़ाई, बड़ी हाई फाई पढ़ाई। अभी यहाँ पर मथुरा में कोई एक स्टूडेंट कोई यहाँ है जो वहाँ पर स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो सके? कृष्णा सोच रहे कोई है यहाँ पर जिसको कोई एडमिशन हो सके, है जिसको मैं भेज सकूं? इसलिए कृष्णा सोचने लगे, सोचते सोचते देखा यहाँ पर एक स्टूडेंट है पूरा मथुरा में, एक पूरा पूर्ण रूप में तो क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन थोड़ी मोड़ी उसके अंदर, ज्यादा नहीं केवल थोड़ी मोड़ी उसके अंदर में क्वालिफिकेशन है। कहते भैया वो कौन है? बोले सर उद्धव जी देखा, उद्धव जी को देखा थोड़ी सी क्वालिफिकेशन है, यही व्यक्ति वहां पर एडमिशन होकर के वो पढ़ाई को वो पढ़ सकता है, केवल एक ही स्टूडेंट है। फिर दूसरा उदाहरण दिए, जैसे समझो बहुत पानी गहरा पानी है लेकिन अगर तुम्हें तैरना नहीं आता है, अगर वहां छलांग लगाओ तो क्या होगा बताओ? तैरना नहीं आता है अगर छलांग लगाओ तो क्या होगा? डूब कर मर जाओ। इसलिए वहां की जो प्रेम है ना वो बड़ी हाई फाई प्रेम है, हैं? वो प्रेम बड़ी हाई फाई प्रेम है, वो प्रेम में सब नहीं, अगर गोता लगाओगे तो, अगर तुम्हें नहाना नहीं आता है तुम्हें तैरना नहीं, डूब कर मर जाओगे। इसलिए कृष्ण ने देखा ये उद्धव जी वहां पर जो प्रेम है ना इतने हाई फाई प्रेम वहां पर है। कृष्ण कहते मैं भी कभी उनका प्रेम का था मैं नहीं पता, गोपियों की प्रेम मैं भी स्वतंत्र भी मैं ही साधारण तो व्यक्ति को छोड़कर कभी मैं भी उनका प्रेम की भौरा में मैं भी पढ़ करके ना कभी कभी मैं भी डामाडोल हो जाता हूँ। अगर किस जिसको तो जिसको भेजने पर नहीं होगा नहीं तो डुपरे मर जाएगा, डुपरे को भी मर जाएगा, इसलिए किसको भेजो? उन्होंने बहुत सोच बूझ कर देखा यहाँ पर उद्धव ही ऐसे एक व्यक्ति है जो पानी में गोता लगा सकता है और जिनकी महिमा को ये थोड़ा बहुत समझ सकता है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने उद्धव जी को वहां पर भेजा, उद्धव जी को भेजा। ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, अगर ये उद्धव वहां पर जाए वहां पर पाठशाला में एडमिशन हो जाए और वहां की पढ़ाई को पढ़ करके वो वापस आए, हैं वापस आए, फिर तो मैं अपना मन की बात उसको कुछ बता सकता, मेरी बात समझने वाले व्यक्ति बननी चाहिए, लेकिन वहां पर इतने हाई हाई प्रेम इसकी बात कर ही नहीं सकता। अगर ये पढ़ करके कुछ पढ़ेगा फिर आएगा, फिर अगर मैं पढ़ाई बताऊं फिर तो समझ पाएगा, जैसे कोई पीएचडी किया है, हैं? अभी पीएचडी की बात तो पीएचडी समझ सकता है, दूसरे तो समझ नहीं सकते। इसलिए कृष्ण अपना मन को हल्का करने के लिए, प्रेम की बात को कृष्ण बताने के लिए उन्होंने श्री उद्धव जी को भेजा। कहाँ पर? श्री वृंदावन में उद्धव जी को उन्होंने भेजा है। ये एक कारण है उद्धव जी को क्यों भेजा। दूसरा कारण बताए, अभी ब्रज का जो प्रेम बड़े हाई फाई प्रेम है, अभी वो जगत में प्रचार करना चाहते हैं, यद्यपि सब भक्त भक्त हैं, सब भक्त भक्त हैं, लेकिन गोपियों की जो भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ है, राधा रानी की भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इससे बड़ा भक्ति जगत में कुछ नहीं।
अभी ये बात अगर जैसे तैसे व्यक्ति बोलेगा ना कोई मानेगा, अगर कोई हाई भाई व्यक्ति बोले जैसे मैं मोदी नरेंद्र मोदी अगर कोई बात बोलता है ना, अरे ये बात को कौन बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, नहीं तो कोई राष्ट्रपति बोल रहा है ना, फिर तो बात को ये राष्ट्रपति बोल रहा है, हाँ ये जोगी बोल रहा है, हाँ उसमें कुछ जरूर कुछ दाम है, उसमें कुछ दाम है। उसी तरह अगर जैसे तैसे व्यक्ति ब्रज प्रेम को बारे में बताए तो वो बात को कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति बताए जो व्यक्ति बता रहे पर सारा दुनिया जिसको मानेगा, भैया अमुक व्यक्ति बता रहे जरूर इसमें कुछ दाम है। इसलिए यहाँ पर देखा उद्धव अगर ये बात को वहां पर जाए पाठशाला में पढ़ी पढ़ करके आए और उन्हें पंचमुख में पंचमुख में अगर ब्रज की महिमा को बताए, लोग बोले भैया उद्धव जो बोल रहे हैं जरूर तो बात में कुछ दम है, जरूर उसमें कुछ है उसे। इसलिए उन्होंने किसको भेजा, उन्होंने श्री उद्धव जी को उन्होंने वहां पर भेजे और उद्धव जी को भेज करके कृष्ण भेज का उद्धव जी जब आ करके उन्होंने वो ब्रज प्रेम की महिमा को गाए पंचमुख में भैर तो दुनिया को पता चला भैया। इसलिए उद्धव जी पांच श्लोकों द्वारा उन्होंने गोपियों की महिमा को उन्होंने पांच श्लोकों द्वारा उन्होंने गाए हैं। आज जो प्रेम की कथा सुन रहे थे, अगर जगत में किसका जीवन धन्य है तो गोपियों का धन्य है, क्योंकि कृष्ण के प्रति जिसका इनका जो प्रेम है, मैं स्वयं ब्रह्मा स्वयं शंकर स्वयं जिस प्रेम के कलश थे, ये लोग जो सौभाग्य स्वर्ग में देवियों की प्राप्त नहीं हुई, जो सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुई, वो सौभाग्य किसको मिला, ये गोपियों को सौभाग्य मिला। इसलिए ब्रज में वहां गुलमलता होना चाहते हैं, तब मैं वहां पर मैं घास बन करके जन्म लूंगा, क्यों गोपियां जब चलेगी चल करके जाना ही पड़ेगा, अगर घास बन करके रहूंगा तो उनकी चरण धूलि हमें प्राप्त होगा। लता बन करके क्यों, लता बन करके रहूंगा तो कृष्ण जब कुंज कुंज में लीला करेंगे तब कम से कम उनका दर्शन कर पाऊंगा, औषध वृक्ष रूप में अगर कभी बीमार पड़ेंगे दवा लेंगे ही दवा लेंगे तो क्या हृदय में चला जाऊंगा, उनके हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए लास्ट में उन्होंने राधा रानी की चरण की एक धूल को उन्होंने वंदना की है, एक धूल वंदना की, जब वंदना की तभी हम सारा दुनिया में हरे। जब उद्धव जी ऐसे बात बताए तब तो जरूर उनके प्रेम में कुछ महत्व है, इसलिए कृष्ण ने भेजा तो किसको भेजा, उन्होंने उद्धव जी को भेजा और उद्धव जब उन्होंने गोपी प्रेम की उन्होंने झंडा को फहराया फिर तो सारा दुनिया इनकी जय जयकार हो गई। बोले श्री उद्धव जी की जय, बोले ब्रज गोपियों की जय, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, पिता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। अभी टाइम हो गया है वहां चला हरे कृष्ण, नाउ टाइम इज द ओवर, नाउ यू कैन गो टू नाथ मंदिर, ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 प्रभुपाद की।